मुंबई में मॉनसून के आते ही डेंगू और लेप्टोस्पायरोसिस की बीमारी भी उफान पर आ गई है। बीएमसी स्वास्थ्य विभाग से मिले आंकड़ों का आकलन करें तो सप्ताह भर में शहर में डेंगू के केस में 138% और लेप्टो के मामले में 82% की वृद्धि दर्ज की गई है। हालांकि मुंबई में कई संदिग्ध मौतें भी उक्त बीमारी के चलते हुई हैं, लेकिन प्रशासन ने डेथ ऑडिट कमेटी की रिव्यू के बाद आंकड़ों को साझा करने की बात कही है। बीएमसी स्वास्थ्य विभाग के अनुसार डेंगू के अधिकतर मरीजों को एडमिशन की जरूरत नहीं पड़ रही है। वहीं लेप्टो के 90-95% मरीजों पर नजर रखने के लिए एडमिट करने की बात सरकारी अस्पताल के डॉक्टर ने कही है। एक और साफ पानी में पनपने वाले डेंगू के मच्छर मुंबईकरों के स्वास्थ्य को खराब करने का काम कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर चार पांव वाले जानवरों जैसे चूहा, बिल्ली, कुत्ते और भैंस के संक्रमित मल मूत्र बारिश के संपर्क में आने से लेप्टोस्पायरोसिस बीमारी का प्रकोप भी बढ़ रहा है। इन दिनों हो रही बारिश दोनों बीमारियों के लिए उत्प्रेरक का काम कर रही है। बीएमसी के महामारी विभाग से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार 1 से 23 जुलाई के बीच डेंगू के कुल 406 केस मिले हैं, इनमें से 142 मामले 17 से 23 जुलाई में मिले हैं। उसी प्रकार से 1 से 23 जुलाई के बीच लेप्टो के 249 केस मिले हैं, जिनमें 145 मामले 17 से 23 जुलाई के बीच मिले हैं। मॉनसून में डेंगू के केस बढ़ते हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि अधिकतर मरीजों का इलाज ओपीडी आधार पर हो रहा है। करीब 10 में से 1 या 2 मरीजों को अस्पताल में एडमिट होने की आवश्यकता पड़ रही है। एडमिट उन्हीं को किया जा रहा है जिनमें वार्निंग साइन दिखते हैं, जैसे पेट में दर्द, जी मिचलाना, उल्टी आना, सिर में दर्द, सांस लेने में दिक्कत। बीएमसी के कीटनाशक विभाग द्वारा वेक्टर कंट्रोल को लेकर कार्रवाई की जा रही है। सड़कों पर हुए जल जमाव वाले गंदे पानी या कीचड़ से गुजरना मुंबईकरों के लिए भारी पड़ रहा है।